सोमवार का दिन तुर्की के लिए त्रासदी लेकर आया, तबाही लेकर आया, चीख पुकार आंसू गम की बाढ़ लेकर आया। सुबह 4 बजे के आसपास जो तुर्की की धरती हिली है वो न जाने कितनी सैकड़ों जिंदगियों को लील गई। इस विनाशकारी भूकंप की चपेट में आकर करीब 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। जिंदगी बचनी है तो सांसें चल रही होती हैं, नहीं तो शव तो मलबे से लगातार निकाले जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि इमारतें की इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। तुर्की से सटे सीरिया का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, वहां पर भी त्राहिमाम मचा हुआ है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये इस तरह का भूकंप कोई पहला भूकंप नहीं है जिसने किसी देश को या किसी शहर को हिलाया हो। इससे पहले भी बहुत से ऐसे भूकंप आए हैं जो शहर को मलबे के ढेर में तब्दील कर गए, सब कुछ तहस नहस कर गए। चलिए बात आज इसी तरह के विनाशकारी भूकंप की करेंगे, कब आए, कहां आए और कितना नुकसान पहुंचा कर गए। दुनिया के सबसे विनाशकारी भूकंप। चिली, 22 मई 1960, तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 9.5 मापी गई। ऐसा भूकंप जो सुनामी भी अपने साथ लेकर आया। दक्षिण चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में इसका विनाशकारी असर देखने को मिला। पूरे 10 मिनट तक धरती कांपी थी, हजारों लोग इस कंपन से काल के गाल में समा गए थे। अलास्का, 27 मार्च 1964, अमेरिका के अलास्का में आए इस भूकंप की तीव्रता 9.3 मापी गई। 4 मिनट 38 सेकंड तक धरती हिलती रही और ऐसी हिली कि अलास्का का नक्शा ही बदल गया। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कई इलाकों में जमीन अंदर तक धस गई थी, कहीं कहीं 30-30 फुट तक ऊपर उठ गई थी जमीन। गुजरात, 26 जनवरी 2001, गुजरात का भुज था इस भूकंप का एपिसेंटर। तीव्रता थी 7.7। भयंकर तबाही मचाई थी इस भूकंप ने भुज में और पूरे गुजरात में। कच्छ और भुज में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। करीब 1.5 लाख लोग इस भूकंप की चपेट में आकर घायल हो गए थे। उस वक्त इस तबाही में करीब 4 लाख लोग ढह गए थे। भारत और श्रीलंका, 26 दिसंबर 2004, दक्षिण भारत में ज्यादा असर। तीव्रता थी 9.2। सुबह सुबह समंदर ने भारत के कई शहरों में मौत का तांडव मचा दिया था। सुनामी की लहरों ने मौत का ऐसा विकट जाल बिछाया था जिसमें हजारों जिंदगियां समा गई थी। तमिलनाडु के कुडलूर, नागपट्टनम और वेलंगनी पूरी तरह से तबाह हो गए थे। 60 से ज्यादा ऐसे गाँव थे जिनका नामो निशान मिट गया था। ऐसी ऐसी बस्तियां दिखी जिनकी कच्ची पक्की इमारतें कहां चली गई पता ही नहीं चला। कितने मछुआरे, कितने मासूम बच्चे जो समुद्र में मछली पकड़ने गए हुए थे वो तो लौटे ही नहीं। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी दिखाई दे रही थी। मौत का ऐसा भयानक रूप देख हर किसी की रूह कांप उठी थी। पाकिस्तान, 8 अक्टूबर 2005, पाकिस्तान के क्वेटा में था इस भूकंप का केंद्र। तीव्रता मापी गई थी 7.6। तबाही की तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। 8 अक्टूबर 2005 को जब धरती हिली थी तो एक साथ 75,000 जिंदगियों को अपने साथ ले गई थी। करीब 80,000 लोग घायल हुए, 2,80,000 लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं बचा। इस भूकंप ने पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान और भारत में भी जमकर तबाही मचाई थी। भूकंप के झटके तजाकिस्तान और पश्चिमी चीन तक महसूस किए गए थे। जापान, 11 मार्च 2011, भूकंप की तीव्रता मापी गई 9। कुछ ही मिनटों में भूकंप ने ऐसा खेल खेला कि बर्बादी की तस्वीरों ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। दुनिया ने इस वक्त देखा था कि कैसे शांत रहने वाला समंदर जब बिफरता है तो तबाही खौफनाक होती है। उस दिन भी भूकंप की वजह से धरती की धुरी कांपी थी, जिसके बाद समंदर से 10-10 मीटर ऊंची लहरें देखने को मिली थी जो सीधा बस्तियों में कुछ ऐसे दाखिल हुई थी कि अपने अंदर सब कुछ समेट कर ले गई थी। भूकंप के बाद सुनामी लहरों ने
मियागी में 9,512, इबाते में 4,670, फुफुशिमा में 1,605 लोगों की जान ले ली थी। इंडोनेशिया 11 अप्रैल 2012 इंडोनेशिया के सुमात्रा में भूकंप ने तबाही मचाई थी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 8.6 मापी गई थी। यह ऐसा भूकंप था जिसने आसपास के देशों को भी दहशत से भर दिया था, क्योंकि 2004 की सुनामी लहरों को लोग अभी भूले नहीं थे। इस भूकंप के झटकों को मलेशिया, मालदीव्स और भारत में भी महसूस किया गया था, लेकिन भूकंप का केंद्र जमीन के काफी नीचे होने की वजह से वैसी तबाही नहीं हुई जैसा कि आकलन किया जा रहा था। नेपाल 25 अप्रैल 2015 नेपाल में भूकंप की तीव्रता 8.1 मापी गई। 8,000 से ज्यादा मौतें हुई और 2,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप की चपेट में आकर अपनी सुध खो बैठे थे। भूकंप के झटके भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक महसूस किए गए थे, लेकिन नेपाल को यह भूकंप खत्म करके चला गया था। नेपाल में कुछ भी नहीं बचा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए करीब 1 साल हुआ था और उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में नेपाल की दिल खोलकर मदद की थी, उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूरा सहारा दिया था। तो ये थे कुछ ऐसे भूकंप जिनसे लोग आज तक उबर रहे हैं। कुछ लोग उबर चुके हैं, कुछ लोग उबरने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चाहकर भी उबर नहीं पा रहे हैं, और जिन लोगों के अपने चले गए वो तो उनका संसार ही ले गया। वैसे आपके जहन में कौन से भूकंप की यादें बेहद ताजा हैं? आप कौन से भूकंप के बारे में हमें बताना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।